दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों हम लोग लखनऊ से मुरादाबाद के लिए रवाना हुए थे, यानी कि रामपुर जाना है हम लोगों को। तो मैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में पहुंच गया हूं, क्योंकि दोस्तों वहां से कोई ट्रेन नहीं थी रामपुर के लिए डायरेक्ट, तो इसलिए हम लोगों को मुरादाबाद आना पड़ा है। और अब यहाँ से हम लोग रामपुर के लिए रवाना होंगे, और वहाँ जाने के बाद मैं आप लोगों को रामपुरी परिंदों का बेहतरीन शौक करवाऊँगा दोस्तों। और ये पीछे विमल भैया हमारे हैं, तो ये उन कबूतरों को परचेस करेंगे और ये लखनऊ लेके जाएंगे। तो मैं दोस्तों मुरादाबाद आया हुआ हूँ, मैं आप लोगों को रेलवे स्टेशन भी दिखाता हूँ। ये मुरादाबाद का दोस्तों रेलवे स्टेशन है, पीछे लिखा हुआ है लेकिन वो पलट के लिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये मुरादाबाद का ही रेलवे स्टेशन है। और मैं यहाँ से अभी आप लोगों को रामपुर के लिए लेके चलते हैं, वहाँ आप लोगों को परिंदों का शो करवाएंगे दोस्तों। ये देखो जी, अब हम लोग रामपुर के अंदर एंटर कर गए हैं, और यहाँ से हमने ई रिक्शा पकड़ लिया है जहाँ पर हमें जाना है। दोस्तों हम आप लोगों को वहाँ पर पहुँच के आप लोगों को पूरी डिटेल देंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि दोस्तों हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ पे, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखना जब भी मजा आएगा। दोस्तों आज मैं रामपुर आया हुआ हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है कि मैं कैसे कैसे रामपुर पहुँचा हूँ। पहले लखनऊ से चले, वहाँ से मुरादाबाद गए, और मुरादाबाद से फिर हम लोग रामपुर आए हैं। रामपुर में एक आप लोगों ने बहुत जाना पहचाना नाम सुना होगा, मकसूद भाई का। मैं इस टाइम आप लोगों को मकसूद भैया के घर में खड़ा हूँ, और इनके परिंदों का शौक करवा रहा हूँ। और यहाँ से कुछ परिंदे विमल जी ने परचेस करे हैं, और उनका भी मैं आगे आप लोगों को शौक करवाऊंगा कि भैया ने कैसे परिंदे परचेस करे हैं। अगर आप लोगों को भी परचेस करना है तो आगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर, तो आप लोग वहां से देख के आप अपने हिसाब के मर्जी के जोड़े परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां रामपुर के अंदर इतनी महंगी महंगी ब्रीडें हैं, आपने तो सुना ही होगा रामपुरी कबूतर दोस्तों बहुत महंगे होते हैं, तो रामपुर के अंदर भी बहुत महंगे महंगे दोस्तों कबूतर हैं। और हमने मकसूद भैया से परिंदे खरीदे हैं, तो उनका भी आप लोगों को शौक करवाऊंगा, और मैं मकसूद भैया को बुलाना चाहूंगा, और उनसे भी मैं आप लोगों को मुलाकात करवाऊंगा, और उनके मुंह से सुने कि इन्होंने भैया ने कैसे कैसे परिंदे दिए हैं। मकसूद भाई आइए तो। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। और ये है हमारे मकसूद भैया, जिनसे हमने परिंदे परचेज करवाए हैं विमल जी को, और बहुत अच्छी क्वालिटी के कबूतर है। मेरे कहने से क्या होता है, भैया के कबूतर है, भैया के मुंह से सुन ले। मकसूद भाई, ये जो आपने कबूतर दिए हैं, ये कैसे कबूतर है? अरे साहब, जो कबूतर दिए वर्मा जी को, बहुत अच्छे दिए मैंने कबूतर। माशाल्लाह से अच्छे शौक है हमारे, वर्मा जी से मामला बहुत अच्छा हमारा, और उनको कबूतर हमने दिए बहुत अच्छे दिए, और हम चाहते हैं वर्मा जी से हमारे जुड़े रहे, मामला रहे हमारे वर्मा जी से। हाँ, हमारी बहुत खिदमत करते हैं हमारे, बहुत अच्छे लोग हैं वर्मा जी, और मैं शौक कबूतर दे रहा हूँ उनको, ये शौक भी आपको करके दिखाऊंगे, और अच्छे कबूतर दिखाए इनको दिए मैंने, और उनके शौक आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आगे मैं मकसूद भैया की, क्योंकि मैंने पूरे जाल के अंदर देखा है जितने भी कबूतर हैं सब टॉप क्वालिटी के कबूतर हैं, और सब मटमैली आपके कबूतर है। दोस्तों आप लोगों को भी शौक करने के लिए मिलेगा, और मैं आगे आप लोगों को वीडियो में लेकर चलता हूँ, जो परिंदे भैया से परचेज करे गए उनका भी मैं आप लोगों को शौक करवाता हूँ। थोड़ा उजाला छोड़ो। ये देखो जी, ये एक और कबूतर का हम आप लोगों को शौक करवा रहे हैं, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की आइस है, ये एक नंबर की आइस है। ये देखो जी, बिल्कुल मटमैली टाइप के कबूतर हैं, नाक पे बनता हुआ फूल है, सारे कबूतर अच्छे हैं। ये देखो, एक विमल जी ने पकड़ रखा है, इसके भी आइस का शौक करें दोस्तों। ये देखो जी, ये भी मटमैली टाइप की आइस है, क्योंकि दोस्तों रामपुरी कबूतरों की ये पहचान होती है, बहुत चौड़े चौड़े पर हैं। ये देखो, बहुत चौड़े चौड़े पर हैं, ये है कबूतरों के अंदर क्वालिटियाँ। ये देखो जी, ये देखो मकसूद भैया कबूतर का और शौक करवा रहे हैं, आप लोग इसकी आंखों का शौक करें। इसकी भी देखो मटमैली बजरी वाली आइस है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के कबूतर है, रामपुरी कबूतरों की पहचान होती है। पिंजरे के अंदर सारे, ये देखो जी, ये एक और कबूतर का आप लोग शौक करें, इसकी भी आइस वैसे ही हो रही है, मटमैली टाइप की आइस है, अच्छी क्वालिटी के कबूतर है, अच्छे पर के कबूतर है दोस्तों।
ये देखो जी बहुत अच्छी क्वालिटी के कबूतर हैं। ये देखो जी, ये देखो जी, हमने आप लोगों को जितने कबूतर विमल भैया ने परचेस करे हैं सभी कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ। इसमें हो सकता है कुछ नर मादी अलग हो, मादी मादी हो, लेकिन यहाँ से जब लेके जाएंगे तो इनका पूरा जोड़ लगाएंगे और दोस्तों आप लोगों को सारे कबूतर परचेस करने के लिए मिलेंगे। लेकिन लखनऊ के अंदर रामपुर से कबूतर अब जा रहे हैं और आपने बहुत अच्छा नाम सुना मकसूद भैया का, रामपुर के जाने माने आदमी हैं, इनका नाम बहुत दूर दूर तक जाता है और इनके बहुत महंगे महंगे जोड़े होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहां से हम परचेस करके लेके जाएंगे तो आप लोगों को भी लखनऊ के अंदर मैं उसी रेट में कबूतर दूंगा जिस रेट में यहाँ से परचेस करके जा रहे हैं, केवल 150 रुपये में। ये देखो जी भैया ने एक और जोड़े का शौक करवा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के कबूतर हैं। आप लोग इनकी आइस का शौक करें दोस्तों, हल्के हल्के जर्रात लिए हुए लाल जर्रात, लेकिन उम्र दराज जब कबूतर होंगे थोड़ा सा टाइम होगा तो ये मटमैली आइस कर लेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी के कबूतर हैं। ये देखो जी, ये देखो जी, आप इसके परों का शौक करें, बहुत चौड़े चौड़े पर हैं। ये देखो जी मकसूद भैया के मैं आप लोगों को पूरे जाल का शौक करवा रहा हूँ। इसमें रामपुरी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसमें सहारनपुरी भैया ने पाल रखे हैं, और भी मिक्स ब्रीडें हैं, बहुत सारे कबूतर हैं जो इनके अंदर उड़ाने के मतलब के कबूतर हैं। ये देखो जी, ये एक और कबूतर का आप लोग शौक करें, ये देखो, ये भी मकसूद भैया के पास में है। मकवा का है, मटमैलिया का है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कमरे के अंदर है इसलिए थोड़ा सा पुतली बड़ी हो रही है, बाकी हाँ कबूतर अच्छे हैं, सारे कबूतर अच्छे हैं दोस्तों। ये देखो जी, ये देखो जी भैया के पास में एक और मादी है, नर है। ये देखो जी, ये नर का शौक करें दोस्तों। यहाँ से जो कबूतर चले जाएंगे, लेकिन भैया के पास में बहुत कबूतर हैं। मैं भैया की वीडियो अपलोड करूँगा और भैया का नंबर भी दूंगा, वहाँ से आप लोग भैया से बातचीत करके परिंदे परचेस कर सकते हैं। ये देखो जी, बहुत अच्छी क्वालिटी के इसके कबूतर है दोस्तों, ये यहीं रह जाएंगे, बाकी जो कबूतर जाने वाले हैं दोस्तों वो जाएंगे और जो यहाँ रह जाएंगे उनको आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग रामपुर से निकल रहे हैं, आपके अंदर दोस्तों बैठ गए, आप लोगों को जब हम लखनऊ में आप लोगों को लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों पूरा शौक करूँगा क्योंकि यहाँ से निकलने में बहुत टाइम हो गया है दोस्तों। अब आगे आप लोगों को इस वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा जिसमें आप लोग कुछ थोड़े बड़े शौक करूँगा।